दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं, तो ज़रूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन के ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो ऑन पैसिव की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो सबसे पहले जो है आपको मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे आज कुछ कंपनियों के बारे में, हम आपको बताएंगे। तो शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और आपको हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ऑन पैसिव कितने कम समय में और क्यों इतनी जल्दी जो है ये बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। तो उसके पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुछ कंपनियां जिनको कई साल लगे थे बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में, लेकिन ऑन पैसिव क्यों जल्दी बनेगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं IBM की। IBM कंपनी आज जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है आप देखेंगे उसको 79 ईयर्स लगे थे 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में। उसके बाद में वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स का नाम आज कौन नहीं जाता, उसको 69 ईयर्स, जी हाँ दोस्तों करीबन 69 साल लगे थे 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में, जो कि आसान नहीं है। 69 ईयर्स 1 बिलियन की डॉलर के निकलने बहुत मुश्किल समय में निकाली कंपनी। उसके बाद में इंटेल को आज कौन नहीं जानता है दोस्तों, आज जितने भी टूल्स बनते हैं इंटेल बनाती है कंप्यूटर के, उसको जो है 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में 16 ईयर का समय लगा था, 16 साल का समय लगे था। उसके बाद में आई माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी लगभग 15 साल, जी हाँ दोस्तों 15 ईयर्स लग गए थे 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में। उसके बाद में हम बात करें एप्पल का नाम आज कौन नहीं जानता है, तो 14 साल लगे थे एप्पल को जो है 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में। मतलब आने वाले शुरू वाले जो 12 से 13 साल उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, तब जाकर के 14वें साल में जो है वो 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनी, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसके बाद में अगर बात करें कि नेटफ्लिक्स, जी हाँ दोस्तों नेटफ्लिक्स का नाम आज बच्चा जानता है, एक OTT प्लेटफॉर्म है, जी हाँ ज़बरदस्त OTT प्लेटफॉर्म है, और ये OTT प्लेटफॉर्म आज इतना फेमस है कि आज हर कोई जो है नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखना पसंद करता है। तो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी को भी लगभग 10 साल लग गए थे, जी हाँ दोस्तों 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में करीबन 10 ईयर्स का समय लगा था। और आज की डेट में अगर बात करें तो लेटेस्ट बिलियन बनने में उन्हें सिर्फ 31 डेज, मतलब आज के एक महीने में ही वो बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है। तो ये पावर है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसके बाद में अगर हम बात करें ड्रॉपबॉक्स कंपनी भी जो है एक तरह से सॉफ्टवेयर बनाती है, और ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बनाती है, आपका डेटा सेव करने के लिए बनाती है। जैसा एक उदाहरण बता दें कि एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आपका ख़राब हो गया तो उसका डेटा उड़ जाता है, तो उसी तरह से ड्रॉपबॉक्स जो है उसको कुल मिला के सेव कर देता है। और ये इतना फेमस हुआ कि इसको कई लोगों अभी तक समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है इस कंपनी को भी 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में लगभग 10 ईयर्स का समय लगा था, 10 साल लग गए थे ड्रॉपबॉक्स जैसी कंपनी को 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स के बाद में, वो कंपनी का नाम है स्पॉटिफाई की। ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है म्यूज़िक कंपनी है, म्यूज़िक सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर सारे जितने भी म्यूज़िक आप कंटेंट सुनेंगे इसके अंदर हर कोई आज जाना पसंद करता है स्पॉटिफाई में। तो ये इसको भी जो है कम से कम 8 ईयर्स का स्पॉटिफाई को कम से कम 8 साल का समय लगता, जी हाँ दोस्तों 8 साल लगे थे इनको जो है 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में, लगभग 8 साल लगे थे। और आज की डेट में अगर बात करें तो लगभग करीबन 90 दिन के आसपास जो है 90 डेज में ये कंपनी जो है 1 बिलियन डॉलर क्रॉस कर लेती है। मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स यूज़ होने लगेंगे, तो ये जो बिलियन का जो रेशो है वो कम होता जाएगा, जो वो डेज का रेशो कम होता जाएगा, इसका उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद में एक ऐसी कंपनी जिसको हर कोई जानता है, बच्चा जानता है, और ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है, वो सभी की फेवरेट होती है, वो है फेसबुक। फेसबुक को 6 साल लगे थे, जी हाँ दोस्तों 6 ईयर्स का समय लगा था, 7-6 साल का समय लगा था 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने में। और लेटेस्ट बिलियन अगर की बात करें तो अभी हर 9 दिन के अंदर ये 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है, हर 9 दिन में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर 9 दिन के अंदर ये कंपनी जो है 1 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है। और फेसबुक कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है दोस्तों, आप देखेंगे कि कई चीज़ें वो अभी रोज़ नहीं कुछ ना कुछ लेकर के आता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है जो कंपटीशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से कई कंपनियों को जो है समय के साथ साथ बदलना पड़ता है। और ऐसा ही फेसबुक में भी हो रहा है, और इसी वजह से जो इतनी जल्दी ये ग्रोथ करी है, और सिर्फ 6 साल के अंदर जो है ये बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही यूनिक बात है। और दूसरी, अब इसके बाद जो कंपनी आती है उसका तो नाम शायद कोई
ऐसा ना बंदा हो जो नहीं जानता, और सबको जो सर्च होता है वहाँ पर होता है वो है गूगल। जी हाँ दोस्तों, गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसको 5 साल लगे थे। जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन की कंपनी बनने में 5 साल लगे थे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बिना प्लानिंग के किया, इसके बावजूद भी इन्होंने 5 साल के अंदर सब कुछ जो है कवर कर लिया। ये बहुत 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 बड़ी बात है दोस्तों। और लेटेस्ट मिलियन की बात करें तो सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर साढ़े तीन दिन में जो है ये कंपनी जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि 3 दिन के अंदर ही अब ये जो कंपनी $1 बिलियन की बन रही है। मतलब आप सोचिए कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पांचवें साल, 5 साल तक जाते जाते इसको जो है फर्स्ट 5 ईयर्स में जो है इसको $1 बिलियन की कंपनी बनने में 5 साल लगे थे, लेकिन आज की डेट में जो है गूगल जैसी कंपनी जो है सिर्फ 3 दिन में जो है, 3 से 4 दिन के अंदर ये कंपनी 5 साल नहीं बल्कि ये जो है सिर्फ 3 दिन के अंदर $1 बिलियन की कंपनी बन जाती है। तो दोस्तों इससे बड़ी बड़ी बात क्या होगी, ये बहुत बड़ी बात होती है, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि सिर्फ 5 साल में जो कंपनी पहले साल में गई थी, लेकिन जो है लेटेस्ट बात करें तो लेटेस्ट मिलियन बनने में सिर्फ 3 दिन का समय लगता है। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं जी हाँ ऑन पैसिव की हमारी। जी हाँ दोस्तों, ऑन पैसिव के बारे में जैसा कि माना जा रहा है कि ये कंपनी बड़ी आश्चर्यजनक घटना करने वाली है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। वो ये है कि ये कंपनी अपने जो फर्स्ट बिलियन $1 बिलियन की कंपनी सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर बनने वाली है। उसका सबसे बड़ा, ये कोई हवा में बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, जितनी भी पहले कंपनियां आई थी, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो आपकी फेसबुक हो, और भी जो कंपनियां हैं, क्योंकि इनके पास जब शुरू में आए थे तो इनके कोई भी कस्टमर्स नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर हैरानी की बात यह है कि अभी ऑन पैसिव जैसी कंपनी लॉन्च ही नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा, ऑन पैसिव जैसी कंपनी लॉन्च ही नहीं हुई है। और यहाँ पर अभी करीबन, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब तक करीबन 6.5 लाख के करीब यहाँ पे फाउंडर हो चुके हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप फाउंडर हैं तो आप कस्टमर नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे फाउंडर हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर कस्टमर्स हैं, और जिस कंपनी के लॉन्च होने के पहले ही 6.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हों, तो आप सोच सकते हैं कि वो कंपनी कितना बड़ा दम रखने वाली है फ्यूचर में, और इसके कितना आगे फ्यूचर ब्राइट है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये कंपनी बहुत बड़ी बनने वाली है। और ये सिर्फ हम बात हवा में इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो जितने बड़े कॉरपोरेट और आईटी सेक्टर के जो दिग्गज लोग हैं, उनका ये मानना है दोस्तों कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये कंपनी कई $1 बिलियन की बनने वाली है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑलरेडी इसके कस्टमर्स रेडी हैं, जबकि अभी कंपनी लॉन्च ही नहीं हुई है। और अभी लॉन्च होने के बाद जब ये जिसका 7 डेज़ का जो फ्री ट्रायल चलेगा, और काफ़ी जानता लाइफ टाइम ये चलेगा, तो ये अपने आप में पूरी दुनिया में जो है तहलका मचाने के लिए आ रहा है। तो ऑन पैसिव को बनाने का उद्देश्य यही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ऑन पैसिव का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा, क्योंकि कई कंपनियां हैं जो कि ऑन पैसिव की ही जो है कस्टमर बनने वाली हैं फ्यूचर में। हो सकता है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बल्कि ऐसी भी कंपनियां जो अभी आने वाली हैं वो भी ऑन पैसिव की कस्टमर बनेगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि ऑन पैसिव के अंदर जो टूल्स बन रहे हैं, जो टूल्स बना रही है कंपनियां, वो बहुत ज़्यादा ऑन पैसिव जो टूल्स बना रही है वो इतनी बड़े बड़े टूल्स हैं कि पूरे दुनिया के लोग उसे, पूरे दुनिया की कंपनियां उसे खरीदेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।